वेलकम टू माय चैनल नेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि हम एक्सेल के आपको बहुत सारे फीचर्स बता रहे हैं, और जिसमें हमने पहला ऑप्शंस जैसे एक्सेल की अगर बात करें तो फाइल आपको बता चुके हैं, और होम आपको हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी हमारी ये ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में यहाँ पर देखिए आ रहा है, और उसके अलावा नीचे आप बॉटम में भी आप डिस्क्रिप्शन में भी हमारा ये देख सकते हैं फाइल और होम। आज हम बात करने वाले इंसर्ट बटन की, जैसे कि आप इंसर्ट टैब बोलते हैं इसको, इंसर्ट टैब की बात करने वाले हैं। और यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, इन ऑप्शन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और अभी भी अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं बिना देरी किए हुए अपना एक्सेल एमएस एक्सेल का ट्यूटोरियल, जिसमें हम बात कर रहे हैं आज इंसर्ट टैब की। और इंसर्ट टैब के अंदर जैसे आप बहुत सारे ऑप्शंस देख पा रहे हैं, और मोस्टली मैं आपको हमेशा बताता ही रहता हूँ कि जितने भी ऑप्शंस हमारे दिखते हैं वो ग्रुप वाइज दिखते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर इंसर्ट टैब में हम गए हैं तो यहाँ पर टेबल्स, यहाँ पर इलस्ट्रेशंस देख पा रहे हैं आप, और चार्ट्स एंड द टूल एंड द स्पार्क लाइंस फिल्टर्स लिंक्स, ये सब आप देखिए कैटेगरी वाइज दिख रहे हैं आपको ग्रुप वाइज। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल बेसिकली होता क्या है, अगर हम बात करें पाइवट टेबल की, तो पाइवट टेबल्स से हम अपने डेटा को बड़ी आसानी से ये कह सकते हैं कि हम अरेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपने डेटा को। तो इसको कैसे करते हैं, सिंपली आप इसको अपने डेटा, जो भी आपके पास डेटा है, देखिए मैंने यहाँ पर एक डेमो डेटा आपके लिए बनाया हुआ है। इस डेमो डेटा को जैसे मैंने सेलेक्ट किया, और इस डेटा को सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या होगा कि पाइवट टेबल में क्लिक करना होगा। जैसे हम पाइवट टेबल में क्लिक करेंगे तो देखिए अपने आप ही ये हमारी जो रेंज है, जो हमने सेलेक्ट की हुई रेंज है डेटा की, वो अपने आप यहाँ पर आ गई है टेबल रेंज। और हम यहाँ पर न्यू वर्कशीट या एग्जिस्टिंग वर्कशीट किस में हम करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग वर्कशीट मतलब कि जो ये ऑलरेडी ऐसी आपकी शीट्स है इसी वर्कशीट के अंदर वो पाइवट टेबल जनरेट हो जाएगी, या न्यू में वर्कशीट में। तो बेसिकली आप न्यू में करिएगा, जिससे कि आपको बेसिकली बिल्कुल क्लियर आपको पाइवट टेबल दिखाई देगा, और बट डेटा में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सेम न्यू में आपको डिफॉल्ट में लेना है, इसका कहने का मतलब है कि इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, ओके कर देना। तो देखिए जैसे आप ओके करेंगे कुछ इस तरह से आपको इन पाइवट टेबल्स का फॉर्मेट दिखाई देगा, और यहाँ पर पाइवट टेबल फील्ड्स आपको जितने भी हमारे कॉलम्स थे वो सारे कॉलम्स यहाँ पर दिख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको अरेंज देखिए नीचे आपको क्या करना है, फिल्टर्स कॉलम्स रोज एंड वैल्यूज। तो यहाँ पर आपको फिल्ट्रेशन आपका मतलब आप अरेंज करना है डेटा को, तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं आप, चेक मार्क भी लगा सकते हैं। तो जैसे मान लो सपोज करके कॉलम और रो हैं, तो यहाँ पर आप हमेशा जैसे एम्प्लॉय नेम इस तरह के डेटा को आप यहाँ पर रखेंगे, जैसे डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जैसे मैं अरेंज कर रहा हूँ यहाँ पर देख पा रहे हैं वो पाइवट टेबल अरेंज हो रहा है। और वैल्यूज के अंदर हमेशा वैल्यूज ही रखेंगे, जैसे मेरे पास टोटल सेल है तो टोटल सेल वैल्यू है तो मैं वैल्यू में शो कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं जितना भी मैं यहाँ अरेंज करती आ रहा हूँ वो हमारा पाइवट टेबल्स के अंदर इस तरह से एडजस्ट होती आ रहा है, और जैसे मुझे चाहिए वैसे अरेंज हो पा रहा है। जैसे देखिए अगर आप पाइवट टेबल में अगर गौर से देख रहे होंगे तो यहाँ पर जितने भी रो लेबल मैंने लिए थे, जो हमने एम्प्लॉय के नेम लिए थे, और यहाँ पर देखिए सारे डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, हर डिपार्टमेंट्स का वो दिखा रहा है कि कितने डिपार्टमेंट्स मतलब कहाँ कहाँ पर सेल हुए हैं, कितना सेल हुआ, और यहाँ पर पूरा टोटल ग्रांड टोटल भी आपको शो कर रहा है। अगर ये नॉर्मल केस में बिना पाइवट टेबल के आप करते हैं तो शायद ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो सकता था, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पाइवट टेबल कैसे बनता है। अगर आपको पाइवट टेबल में ये अरेंज करना नहीं आया कि डेटाबेस में अरेंज कॉलम फिल्टर्स कैसे अरेंज करते हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और जो इंसर्ट टैब के अंदर दूसरा वाला ऑप्शन देख पा रहे हैं रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स, इसमें रिकमेंडेड मींस इसमें आपको कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ फॉर्मेट्स देगा, जो भी फॉर्मेट्स आपका सूटेबल है, डेटा आपको जरूर रिक्वायरमेंट है उसको आप ले लें। इसको क्लिक करें, देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको रिकमेंडेड डेटा आपको दिखा रहा है। तो जो भी जिस तरह का भी आपको पाइवट टेबल जनरेट करना है उस तरह का आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर देखिए उसका फॉर्मेट दिखा रहा है, और ओके कर देना है। तो देखिए इस तरह से आपका वो पाइवट टेबल्स जनरेट कर लेगा, और इसमें आप देख पा रहे हैं फिल्टर भी कर सकते हैं आप स्पेसिफिक, अगर किसी
इलेक्ट्रॉनिक का ही देखना चाहते हैं तो ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक का ही डेटा भी आपका आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर रिकमेंडेड और पाइवो टेबल की हेल्प ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टेबल की। तो टेबल के अंदर आप अगर देखेंगे इस डेटा को, तो अगर इसको टेबल में कन्वर्ट करना हो तो आप यहाँ क्लिक करेंगे जस्ट, और जस्ट कर क्लिक करने के बाद ओके करेंगे, जैसे रेंज आ गई है तो आपका ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेनिफिट है यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट ये अपने आप फिल्टर भी लग जाएंगे। मान लो सपोज करके आपको पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट के डेटा देखना है, आपको क्लिक करना है सिलेक्ट ऑल को हटाना है, और आपको मान लो हार्डवेयर का डिपार्टमेंट का देखना है ओके, तो हार्डवेयर के डिपार्टमेंट का ही डेटा आपको सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट्स है जब टेबल आप यूज़ करेंगे। उसके अलावा अगर आप कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट्स चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट्स भी यहाँ से टेबल्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स हैं, जो फॉर्मेट्स आपको सूटेबल लगता है वो फॉर्मेट्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको अंडू कर रहा हूँ और फिर नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे आपने देखा इंसर्ट के अंदर इलिस्ट्रेशन अगर बात करें, तो यहाँ पर देखिए आप पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, शेप्स, स्मार्ट आर्ट्स, ये आपको सब समझ में आ रहा होगा कि जैसे पिक्चर्स है, अगर पर्टिकुलर पिक्चर्स यहाँ पर लानी है तो आप जस्ट क्लिक करेंगे, जो भी आपको पिक्चर लानी है उस पिक्चर की लोकेशन में आपको जाना होगा और उस पिक्चर को आप यहाँ पर सिंपली इंसर्ट कर देंगे। जैसे मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, इंसर्ट किया तो देखिए आ गया यहाँ पर। तो ये तो आप एमएस वर्ड में भी आपने सीखा हुआ है कि ये कैसे इंसर्ट करते हैं, और उसको पर्टिकुलर जगह पर आप जैसे लोगो वगैरह लगाना है या तो वो पर्टिकुलर जगह पर लोगो वगैरह के फॉर्म में इसको लगाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने ये लगा दिया है, तो ये लोगो हो सकता है, मैंने सिंपली कोई भी इमेज ले ली है अभी। और इंसर्ट में अगर जाके उसके अलावा इलस्ट्रेशन में ऑनलाइन पिक्चर्स, अगर आपको लगता है कि मुझे ऑफलाइन में नहीं है, तो ऑनलाइन से आप वो पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके इस कंडीशन में आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जो भी आप यहाँ पर सर्च करेंगे। मान लो हमने यहाँ पर एक्सेल लोगो लोगो सर्च कर दिया है, तो जैसे ही आप एक्सेल लोगो सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्सेल के बहुत सारे लोगो आ गए। सिंपली आपको क्या करना है, आपको सिंपली उसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इंसर्ट कर देना है, तो देखिए वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, देख सकते हो। तो आप कोई भी, आप किसी भी तरह का ऑनलाइन से डायरेक्टली इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपके कंप्यूटर के अंदर, तो वो आपका आ जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशंस में अगर नेक्स्ट बात करें शेप्स की, तो किसी भी तरह के शेप्स की, जैसे एमएस वर्ड में भी आपको बताया हुआ है, पहले से ही जानते ही होंगे आप। तो किसी भी तरह का शेप अगर आपको रिक्वायरमेंट है, तो उस शेप को यहाँ से क्लिक करिए, आप पिक करिए और यहाँ से वो शेप क्रिएट कर लीजिए, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से आप वो शेप भी क्रिएट कर पाएंगे। और उसके अलावा अगर इलस्ट्रेशन में बात करें स्मार्ट आर्ट की, तो स्मार्ट आर्ट एमएस वर्ड में बहुत अच्छे से हमने डिस्कस भी किया हुआ है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। जैसे साइकिल में अगर मैं यूज़ करता हूँ, मान लो सपोज करके मैंने ये वाला ऑप्शन यूज़ किया और ओके किया, तो यहाँ पर देखिए इस तरह का आ जाएगा। आप यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं कुछ भी, मान लो मैं लिख देता हूँ NIT और यहाँ पर लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सर्विसेज और एसेसरीज, तो देख सकते हो ये पर्टिकुलर वो जो है हमारा स्मार्ट आर्ट के फॉर्म में आ गया। अगर इस स्मार्ट आर्ट में और चेंज करना है तो उसको डबल क्लिक करिए आप, और यहाँ पर से देखिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स हैं, किसी भी तरह के फॉर्मेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्मार्ट आर्ट के ऊपर। तो इसको छोटा बड़ा करना है आपको, ड्रैग करके छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। वैसे मैं ये सारा एक ही जगह पर आपको करके बता रहा हूँ, आप अपनी शीट्स में या डिफरेंट डिफरेंट वे में अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, आपके रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं देखिए इनको हटा रहा हूँ अभी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें इलस्ट्रेशन में स्मार्ट आर्ट या स्क्रीनशॉट। देखिए स्क्रीनशॉट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। मान लो सपोज कर कोई डेटा है, आपने कोई डेटा यूज़ करना है, और आपको जैसे मैं इंटरनेट के अंदर नेट में हमने यूज़ किया, नेट में कोई भी सर्च किया हमने, या किसी पर्टिकुलर अदर फाइल से आपको इन्फॉर्मेशन लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है, और उस इन्फॉर्मेशन को आपको सर्च करना है। मान लो यहाँ पर हमने लिखा MS Excel ट्यूटोरियल, ठीक है। तो जैसे मैंने MS Excel ट्यूटोरियल यहाँ पर टाइप किया, और इंटरनेट की जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती है, और आप क्या करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी उसको क्या करेंगे, यहाँ जाके इलस्ट्रेशंस को स्क्रीनशॉट को क्लिक करेंगे, ये देखिए। तो अब वो स्क्रीनशॉट यहाँ वहाँ पर ले ले रहा है, और यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने के बाद देखिए इस तरह से हमारी वो स्क्रीन यहाँ पर शो हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस स्क्रीन को
शॉर्ट को लेके डायरेक्टली हम स्क्रीन को लिख के आ सकते हैं यहाँ पर। तो ये काम करता है हमारा इलस्ट्रेशंस में जो है इंसर्ट के अंदर इलस्ट्रेशन में स्क्रीन शॉट। ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ऐड इंसर्ट। देखिए इसके थ्रू स्टोर्स में आप यूज कर सकते हैं, स्टोर को यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर अगर आप मान लो सपोज करके कोई बार कोड बनाना जनरेट करना चाहते हैं तो माई एड्स में जाएं और यहाँ पर देखिए स्टोर में जाएं, और स्टोर में जाने के बाद आप तो QR कोड यहाँ पर आप टाइप करिए और सर्च करिए आप सिंपली। देखिए QR कोड के अंदर आप QR कोड ऑफिस को ऐड कर लीजिए, ऐड करके मैं कंटिन्यू करिए। आप यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद देखिए इस तरह का कुछ ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप कस्टमाइज कर लीजिए। कस्टमाइज के बाद यहाँ पर आप मान लो सपोज करके ये चूज करना चाहते हैं ये वाला पूरा ऑप्शन, ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर टाइप कर देते हैं हम, चलिए 2001। ओके एंड करण सिंह उत्तर प्रदेश। ओके तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इसका एक QR कोड जनरेट हो जाएगा, आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एरर आती है तो सिंपली आप क्या करें यहाँ पर कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। देखिए बिट मैप में स्पेस स्पेशल में आपको के जाके ये आपका QR कोड यहाँ पर जनरेट हो गया, देख सकते हैं। इस तरह से आप कोड QR कोड जनरेट कर सकते हैं और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, और यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर हमने QR कोड जनरेट किया तो हर उसका एक QR कोड आप यहाँ पर इस तरह से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम QR कोड जनरेट कर सकते हैं इजीली। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रिकमेंडेड चार्ट्स, यानी कि चार्ट्स का आप देख पा रहे हो जो भी आपका डेटाबेस है उसको ग्राफिकली आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी तरह के चार्ट में। आपको डेटा सेलेक्ट करना है जिसको भी आपको कन्वर्ट करना है, और रिकमेंडेड चार्ट में क्लिक करेंगे तो आपको जो भी रिकमेंडेड चार्ट्स हैं वो आपको क्लिक करना है आपको और ओके करना है, तो उस तरह का आपका देखिए डेटाबेस में वो कन्वर्ट कर लेगा। जो भी जो आपको डेटाबेस में चाहिए वो आप देखिए आप यूज़ कर सकते हैं, वो डिपार्टमेंट आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो नहीं चाहिए उसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। आप अगर आपको ये नहीं चाहिए चार्ट टाइप, यानी कि चार्ट टाइप नहीं चाहिए, ठीक है, हटा दीजिए, और आपको डेटा टेबल चाहिए तो आप वो कर लीजिए, नहीं तो हटा दीजिए। तो डिपेंड करता है आपको लीजेंस चाहिए तो आप क्लिक कर लीजिए, लीजेंस आपके यहाँ पर देखिए दिखने लग गए हैं, तो आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ पर सही यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको हटाना है सिंपली आप डिलीट की प्रेस कर दीजिए, हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने जो है पर्टिकुलर डेटा का चार्ट बना सकते हैं। अगर कस्टमाइज करना है तो आप देखिए यहाँ पर कस्टमाइज है, आप वो क्लिक करिए और कोई भी आप चार्ट क्लिक करेंगे तो कस्टमाइज डेटा आपका जनरेट हो जाएगा। और अगर आपको इसमें कुछ भी फॉर्म में किसी पर्टिकुलर टाइप का फॉर्म में चाहिए तो पर्टिकुलर टाइप के फॉर्म में इसको आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है। ओके उसके बाद हम बात करते हैं, नॉर्मली अगर 3D मैप के फॉर्म में आपको काम करना है, ठीक है, तो 3D फॉर्म में भी आप काम कर सकते हैं। ये भी एक तरह से ये कह सकते हैं कि मैप जनरेट कर सकते हैं आप, और इसके लिए भी आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी पर्टिकुलर होनी चाहिए तब जाके ये काम करेगा, और अदरवाइज नहीं तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं उस पर्टिकुलर जगह का स्टेट्स लोकेशंस आपको शो कर रहा है इंटरनेट के थ्रू, और आपका जो भी आपको डिपार्टमेंट अगर लेना है, आपको रेंज यानी कि डेट ऑफ बर्थ लेना है, ठीक है, जो भी आपको लेना है वो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए फील्ड ऑलरेडी सिलेक्ट है, अगर कोई दूसरी फील्ड अगर आपको सिलेक्ट करनी है तो देखिए दूसरी फील्ड आपको सिलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम सिलेक्ट करना है या तो सब कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर 3D फॉर्म में भी वो दिखाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पार्क लाइन्स में आप देखिए इस तरह के लोकेशन रेंज लेके भी काम कर सकते हैं। स्पार्क लाइन्स हम ज़्यादा बाद में डिस्कस करेंगे, हम बात करते हैं फिल्टर्स की। तो फिल्टर्स में देखिए स्लाइसर्स एंड टाइमलाइंस, देखिए स्लाइसर को यूज़ करने के लिए, देखिए स्लाइसर अगर आपको यूज़ करना है तो इसके लिए
आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको टेबल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। एक्चुअली ये दोनों ही ऑप्शन फिल्टर्स के हैं, जैसे हमने होम में भी आपको एक फिल्टर बताया था, टेबल से भी एक फिल्टर बनाया बताया था, यहाँ पर देखिए स्लाइसर से भी एक फिल्टर हो सकता है। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको टेबल फॉर्म में लेके आना है। ओके, अगर आप इसको टेबल फॉर्म में नहीं लाएंगे तो आपका स्लाइसर काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखना आपको कि इसको टेबल फॉर्म में लेके आना है। उसके बाद आप इंसर्ट में जाकर स्लाइसर में क्लिक करेंगे, तो देखिए जैसे स्लाइसर में क्लिक कर रहे हैं आप, तो देखिए एक इंसर्ट स्लाइसर, आप कौन कौन सा स्लाइसर आप यूज़ करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट्स आप यूज़ करना चाहते हैं, स्टेट के अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहते हैं, है ना, तो या एम्प्लॉय नंबर के अकॉर्डिंग, तो ओके करेंगे आप। तो देखिए आपके सामने तीन स्लाइसर आ गए फिल्ट्रेशन के लिए। अब जो भी पर्टिकुलर आप यहाँ पर यूज़ करेंगे स्लाइसर को, उस स्लाइसर के अकॉर्डिंगली आपका ये डेटा फिल्टर हो जाएगा। जैसे आप डिपार्टमेंट की बात करें, तो डिपार्टमेंट में मान लो सपोज करके मुझे हार्डवेयर वाला सिर्फ क्लिक करना है, तो देखते हैं हार्डवेयर जैसे क्लिक किया मैंने तो सिर्फ हार्डवेयर वाला डिपार्टमेंट आ गया। अब हार्डवेयर में भी स्टेट में मुझे सिर्फ बिहार वाला चाहिए, तो देखिए हार्डवेयर में हमारा बिहार वाला ही आ गया। और अगर पर्टिकुलर आप उस एम्प्लॉय नंबर को भी देखना चाहते हैं 2002, तो देखो पर्टिकुलर नंबर भी आ गया, ठीक है। और अगर ये फिल्टर स्ट्रिंग आप स्लाइसर के थ्रू हटाना चाहते हैं तो सिंपली आपको ऊपर क्लिक करना है और ये स्लाइसर आपका हट जाएगा सिंपली, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको हटा सकते हैं, सिंपली सेलेक्ट करके स्लाइसर को हटा सकते हैं। बेसिकली ये फिल्टर्स के लिए, जब हमारा डेटा फिल्टर्स हमें करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इंसर्ट के अंदर टाइमलाइन की। देखिए टाइमलाइन का यूज़ तब होगा जब आपका डेटाबेस के अंदर मंथली वाइज यानी कि डेट वाइज का है, तो यानी कि डेट वाइज का कंसेप्ट है इसमें कि डेट वाइज आपका जो डेटा आप देख सकते हो टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली। तो जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल कनेक्शंस, तो कनेक्शंस चाहिए इसके लिए। अगर डेटा मॉड्यूल्स आपको क्लिक करना है तो डेटा मॉड्यूल्स में लेकर ओपन कर देना है। ओके, तो देखिए अब भी आपका डेटा को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, एग्जिस्टिंग कनेक्शन सिलेक्ट कनेक्शन और वर्कबुक, तो यहां पर नहीं कर पा रहा। ब्राउज के अंदर जाते हैं, तो इसमें कुछ एरर्स आ रही है, तो उस एरर्स को सॉल्व करनी पड़ेगी पहले। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइपरलिंक की। हाइपरलिंक बेसिकली क्या है कि ये कनेक्टिविटी के लिए है। मान लो सपोज करके कोई आपको पर्टिकुलर फाइल्स आपको कनेक्ट करना है, मान लो यहाँ पर हमें डेली बेसिस पे बहुत सारी ऐसी फाइलें जो यूज़ करनी होती हैं, तो हम यहाँ पर एक मेन मेन्यू टाइप का बना लेते हैं और मेन मेन्यू में मार्कशीट बना दिए मान लो, कैश मेमो बना लिए मान लो, ठीक है, अदर्स बना लिए मान लो सपोज करके, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूँ, तो देखिए मैं इस तरह से इसको सेट कर देता हूँ, अलाइनमेंट एंड द टेबल एंड द बॉर्डर, थिक बॉर्डर, और यहाँ पर मैं चलिए ये देखिए मैंने एक मेन मेन्यू जनरेट किया। अब मैं मार्कशीट से, हमने जो भी मार्कशीट बनाई है या कैश में बनाया हुआ उसे कनेक्टिविटी करनी है मुझे, तो यहाँ पर मुझे इंसर्ट में जाना होगा, सिंपली हाइपर लिंक्स में जाना है, और हाइपर लिंक्स में जाने के बाद जो भी लोकेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उस लोकेशन में आपको जाना है, और उस तरह के डॉक्यूमेंट्स को जो आपने मार्कशीट बनाई है मार्कशीट टाइप के डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपके वो सारे डेटा होना चाहिए तभी आपका हो पाएगा कनेक्टिविटी। ओके, देख सकते हैं मैं इससे मैंने कनेक्टिविटी कर दी है। ओके, तो अगर आप इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहते हैं तो मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ लाइन टाइप की आ गई, कनेक्टिविटी आ गई है। जब यहाँ पर मैं जा रहा हूँ तो देखिए फिंगर्स आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब है ये मार्कशीट में कनेक्टिविटी होगी इसकी। और हम अगर इसको जस्ट सिंपली क्लिक करें तो देखिए हमारे मार्कशीट कनेक्टिविटी कनेक्ट होके वह आ गई है डायरेक्ट, इससे हाइपरलिंक कनेक्टिविटी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, और डेली बेसिस पे हमें 8-10 टाइप की एक्सेल की फाइलें या अदर्स फाइल भी हो सकती है इसके अंदर, तो उसमें काम करना है डेली बेसिस पे, अपडेट करना होता है डेटाबेस को और जो भी है, तो आप इस तरह के एक मेन मेन्यू जनरेट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर और उनके थ्रू उन सारी फाइलों को एक्सेस कर सकते हैं,
ठीक है, तो आपका टाइम जो है इससे काफी बच जाएगा। तो उसके अलावा अगर हम टेक्स्ट बॉक्स और सिंबल्स की बात करें, तो सिंपली आप टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए जैसे आप क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर सिंपली टेक्स्ट बॉक्स की टाइप कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स में ये बाउंड्री नहीं चाहिए या कलर नहीं चाहिए नहीं इसमें जो है, तो फॉर्मेट में आप जाएं, शेप फिल्स के अंदर नो फिल कर दें, तो देख सकते हैं आपका नो फिल हो गया। आउटलाइन में भी नो फिल कर दें, नो आउटलाइन, तो आउटलाइन देखिए हट गई। तो इसलिए इस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प ले सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ हेडर फुटर्स हैं जो कि हमने बताया हुआ है पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स के अंदर, और उसके अलावा वर्ड आर्ट्स, आपको पता ही है कि आर्टिस्टिक फॉर्म में कुछ भी लिखना होता है आपको तो यहाँ पर आप क्लिक करना होता है आपको और सिंपली आपको यहाँ पर लिख देना होता है। देखिए इस तरह से, ठीक है, तो ये आर्टिस्टिक फॉर्म में इसको लिख सकता है और कहीं पर भी आप इसको अपने हेडिंग में या कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स में सिग्नेचर लाइन्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ये भी आपको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। और आप सिंबल्स की बात करें तो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट अगर होती है या सिंबल्स की रिक्वायरमेंट होती है तो किसी भी सिंबल्स को अगर चाहिए आपको तो यहाँ से क्लिक करना आपको सिंपल, वो आपका जो है सिंबल यहाँ पर देखिए इंसर्ट हो गया, देख पा रहे होंगे आप, इस तरह से वो सिंबल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आपको इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट है, सपोज करके इक्वेशन जनरेट करना आपको किसी भी तरह का, तो आप क्लिक करना आपको यहाँ पर देखिए वो आ जाएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स के अंदर भी हमने बताया था आपको, और यहाँ पर आपको चेंजेस करना है लिटिल बिट, जो भी आप चेंज करेंगे, मान लो यहाँ पर आपको चेंज करना है तो वो चेंज कर सकते हैं आप और आपका इक्वेशन जनरेट हो जाएगा विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो नॉर्मली अगर आप इसको बनाएंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं। कि आई होप कि इंसर्ट, आपके इंसर्ट के काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया, आपने कुछ सीखा इससे, तो आई होप कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, और अगर हमारे चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही ट्यूटोरियल्स, अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स आपको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में तो आपका कुछ भी पैसे लगते नहीं है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, एक नोटिफिकेशन भी आप बेल प्रेस कर देंगे तो जब भी हम कोई नया अपलोड करेंगे ट्यूटोरियल, आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो आई होप कि आप घर में प्रैक्टिस करेंगे और आप इससे काफ़ी चीज़ें सीख रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट किसी अच्छे से ट्यूटोरियल में मिलते हैं, नेक्स्ट टाइप्स की डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।